जी न्यूज आज एक ऐसे मुद्दे को उठा रहा है जो आपकी थाली से जुड़ा हुआ है। दिनों दिन बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। दो वक्त की रोटी आप जो सब्जी दालों के साथ खा रहे हैं वो लगातार महंगी हो रही है। उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2023 में अरहर की दाल 128 रुपए किलो थी, लेकिन इस साल जून 2024 में इसकी कीमत बढ़कर 161 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसी तरह पिछले साल इन्हीं दिनों आलू की कीमत 22 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन अब जून 2024 में आलू के दाम 32 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। प्याज के दाम भी 23 रुपए से बढ़कर 38 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए हैं। टमाटर भी 32 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 48 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। सब्जी दालों के दाम एक साल में 65% तक बढ़ चुके हैं। हर चीज महंगाई हो गई है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। सैलरी मिल रहा है उससे ज्यादा खर्चा हो गया। एक तरफ भीषण गर्मी झुलसा रही है तो दूसरी ओर महंगाई की मार आपकी रसोई में आग लगा रही है। अब हर कोई इन महंगी सब्जियों को घर तक लाने के लिए एक नहीं 10 बार सोचता है, क्योंकि अब ये महंगाई पाव भर सब्जी खरीदने पर भी भारी पड़ रही है। सब्जियों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ के चुके हैं, हमारी गुंजाइश नहीं है। क्या बात है, कई बार चटनी बना के खा लेते हैं, प्याज भी छोक लेते हैं कई बार। 50 रुपए से कम कोई है ही नहीं, आलू 50 रुपए बिक रहे हैं, अब इससे ज्यादा क्या हुआ। सब्जी के रेट बढ़ तो रहे काफी, अब क्या करें, अगर मजबूरी है खाना तो पड़ेगा ही, लेने पड़ेंगे। लौकी, शिमला मिर्च, अरबी, भिंडी, धनिया और ककड़ी जैसी हरी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। खुद सब्जी विक्रेता भी मानते हैं कि वो भी महंगी सब्जी बेचने को मजबूर हैं। दुकानदारों की माने तो मौसम के कारण सब्जियां बाहर से आ रही हैं, जिस कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दुकानदारी का पीछे से महंगाई आ रही है तो इधर भी महंगाई हो रही है, फिर परेशानी है हमको भी सबको भी। इससे आपके मुनाफे के ऊपर कोई असर पड़ा है? मुनाफे पे कोई असर पड़ रहा है तो महंगी आ रही है तो मार्जिन भी कम ले रहे हैं, तो ताकि पब्लिक पे कोई ऐसी परेशानी ना हो। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में खुद जी न्यूज की टीम इसकी पड़ताल करने पहुंची है। लोगों को काफी परेशान कर रही है क्योंकि जो सब्जियों के रेट है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते। जी भैया, क्या रेट था पहले और अब क्या रेट है? भैया पहले प्याज का रेट 80 कड़ाई बिक रहा था, अब 100 कड़ाई बिक रहा है, और आलू पहले 60 कड़ाई बिक रहा था, अब 100 कड़ाई बिक रहा है। अब आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं तो आप देखेंगे कि महंगाई पर उपभोक्ता मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में चावल 12.5% महंगा हुआ है, जबकि मूंग दाल की कीमत में 10% इजाफा हुआ है, जबकि मसूर और चीनी के दाम में भी उछाल आया है। सब्जियों की खुदरा कीमत आसमान छू रही है। यही नहीं, दूध का गिलास पिए या फिर एक कप चाय, सब कुछ महंगाई की भेंट चढ़ा हुआ है। चाय 274 से 280 रुपए है, जबकि चीनी 42 से 44 रुपए प्रति किलो हो गई है। दूध की बात करें तो 54 रुपए से 68 रुपए प्रति किलो हो गया है। इसी तरह सरसों के तेल का भी भाव 140 से 160 रुपए के बीच है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से कुल खुदरा महंगाई घटने की रफ्तार भी सुस्त हो गई है। उम्मीद है कि जल्द ही आसमान छूते सब्जी दालों के दाम जमीन पर आएंगे। रिपोर्ट जी मीडिया। Z News.